हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल के लिए झूला बनाना बताने जा रही हूँ, जिसको हमने घर में बहुत ही आसानी से और बहुत कम सामान में बनाया है। इसका मटेरियल भी मैंने लिख दिया है, आप अपने अनुसार जो भी उपलब्ध है सामान उससे बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक कार्डबोर्ड ले लिया है, इस पर ऐसे शेप ड्रॉ किया है और 2 इंच लेकर के थोड़ा मार्क लगा लिया है ऐसे। फिर कोई भी गोल चीज लेकर के एक थोड़ा सा शेप दिया है गोल। और इसको कट कर लिया है। मैंने एक दूसरे कार्डबोर्ड पे इसको कट करके चिपकाया है। अगर आपका कार्डबोर्ड मोटा है तो ज़रूरत नहीं है दूसरा चिपकाने की। मेरे को थोड़ा पतला लग रहा था इसलिए मैंने इस पर चिपका दिया है, इसको कट किया है और बीच में लूप लगाया है। लूप लगा करके दोनों कार्डबोर्ड को मैंने चिपका दिया है। अब एक पेपर लेंगे, गोल्डन पेपर मैंने लिया है, आप अपने पसंद का कोई भी कलर का पेपर ले सकते हैं और इस पे चिपका सकते हैं। ग्लू लगा करके इसको मैंने चिपका दिया है और एक्स्ट्रा थोड़ा छोड़ के कट कर दिया है। फिर इनमें ऐसे कट लगा के फिर भी गोल लगा के पीछे की तरफ मोड़ के चिपका दिया है। ये मेरा तैयार हो गया है, अब इसको डेकोरेट करेंगे। मैंने इसमें रिबन लगाया है, आप लेस लगा सकते हैं या कोई भी कलर से डिज़ाइन बना सकते हैं, बीट्स भी लगा सकते हैं। अब ये बेस के लिए मैंने एक डिब्बा लिया है, कोई भी डिब्बा ले सकते हैं खाली, और फेविकोल और वाटर मिक्स करके मैंने डिब्बे पे टिश्यू पेपर लगाया है। आप इसको ऐसे ना बना के खाली पेपर से कवर कर सकते हैं, मैंने थोड़ा ऐसे बना दिया है, पूरे डिब्बे पे ऐसे टिश्यू पेपर लगा दिया है और ये सूख के ऐसा फिर इसको एक कपड़े से कवर किया है। अगर आप पेपर लगा रहे हैं तो आपको टिश्यू पेपर की भी ज़रूरत नहीं है और कपड़े की भी ज़रूरत नहीं, केवल डिब्बे को एक पेपर से कवर कर दीजिए। और फिर इस पर इसको रख के थोड़ा निशान लगा दिया है, निशान लगा के इसको कट कर देंगे ताकि इसमें ये आसानी से चला जाए और हिलेगा नहीं। थोड़ा और चाहिए, ये ऐसे इसमें लगा दिया और इसको फेविकोल से चिपका देंगे ताकि ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब इसमें एक बाउल ले लिया जिसमें सब्जी आती है और गरम सलाई से इसको छेद कर दिया है और इसको लेस से कवर कर दिया है। आप गोटा पेपर कुछ भी लगा सकते हैं, ये मैंने लगा दिया है।
मैं डोरी लगाना भूल ही गई, इसको मेज़र करके फिर इसमें डोरी लगाएंगे। आप पहले डोरी लगा लीजिएगा फिर उसको कवर कीजिएगा। डोरी लगा के मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा, अब ये कवर कर दिया इसको। और कॉटन रख देंगे बेस पे और इसको फिर एक कपड़े से कवर कर देंगे गोपाल जी को बैठाने के लिए, और ऊपर से एक लेस लगा देंगे। थोड़ा खाली लग रहा है तो ऊपर एक लेस लगा से कवर कर देंगे। मेरा तैयार हो गया है, अब इसको इसमें लगा देंगे, नीचे कुछ रख के इसको बांध देंगे ताकि ये बराबर आए, टेढ़ा ना हो। और जो बांधने के बाद एक्स्ट्रा गोटा रहेगा उसको कपड़े के नीचे दबा देंगे जिससे वो दिखेगा नहीं। और ये नीचे झुलाने के लिए डोरी लगा देंगे, चिपका देंगे टेप से, तो ये हो गया झूला तैयार। अब इसमें मैंने लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया है, झूला दिया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में और लाइक कीजिएगा। लड्डू गोपाल झूल रहे हैं। बाय बाय।